हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, यहां पर उत्तराखंड एलटी के लिए आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि 18 अगस्त को इसका पेपर हो गया था और उसके बाद जो है इसके आंसर की आई थी, उसमें कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी का कहना है कि लगभग 3,000 लोगों ने इसमें प्रत्यावेदन लगाया था, तो उसमें मतलब हमने 1% भी क्वेश्चन ड्रॉप आउट नहीं हुए हैं, तो सब कुछ ठीक पाया गया। ये हमारी सफलता को दर्शाता है। अब ये फाइनल जो आएगी, रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसमें पता चलेगा कि किसमें कॉमन मार्किंग हुई है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें तो बाद में पता चलने वाली है। लेकिन बात सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एलटी का रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इंतज़ार अब खत्म होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है, तो एलटी का रिजल्ट अब जल्दी ही जारी होने वाला है, ये कहना है यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जो हैं जीएस मर्तोलिया जी, उनका कहना है। तो उन्होंने साफ साफ बताया, जब भारत न्यूज़ वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे बताया कि एलटी का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर या फिर 10 से 15 दिन के अंदर जारी होने वाला है, यानी कि अक्टूबर पहले सप्ताह में आ जाएगा। सुन लेते हैं एक बार इसको। ये आपके बच्चे हैं सर, कुछ सवाल पूछे इन्होंने। एक कहते हैं कि एलटी का रिजल्ट कब आएगा सर, माय क्वेश्चन इज एलटी का रिजल्ट कब आएगा। नहीं, एलटी का रिजल्ट तो निकल चुका है, उनके जो जो ऑब्जेक्शन उनके चैलेंजेस हुए थे क्वेश्चन, वो कल मैंने कंप्लीट कर दिया है और अगले हफ्ते 10 दिन में उसका जो रिवाइज जो की जाएगी वो उसका रिजल्ट निकल जाएगा। सर लिख रहे हैं कि एलटी कला एलटी आर्ट्स विषय का रिजल्ट 2021 में घोषित नहीं हुआ है, भर्ती रद्द हो गई, अब फिर से 2024 में पेपर दिया है, कृपया जल्द से जल्द रिजल्ट कला विषय का परिणाम घोषित करने की कृपा करें। पहले आप कहा ना अगले 10-15 दिन में उसका रिजल्ट निकाल देंगे, 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा इसका। एलटी रिजल्ट कब तक, ये आपने सर जवाब दे दिया है। अध्यक्ष जी से पूछिएगा क्या आयोग आप पुराने रूप में लौटा है, रिजल्ट जारी कर दे एलटी का। एलटी वाले सर बड़ा नहीं, देखिए एलटी में ना चैलेंज जो आए थे, जो क्वेश्चन चैलेंज किया था बच्चों ने, उसकी संख्या 3,000 के आसपास थी, तो उसको हम लोगों ने कल मैंने सब देख लिया, उसको फाइनल कर दिया हम लोगों ने, बहुत जल्दी निकालेंगे उसको। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में, इन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो है रिवाइज्ड आंसर की का काम भी पूरा हो चुका है, तो वो आंसर की तैयार हो चुकी है, जितने भी ऑब्जेक्शन आए थे उसके बेस पर सब तैयार हो चुका है और रिजल्ट तो पहले ही हम तैयार करके रख चुके हैं। तो अभी जो है एक हफ्ते के अंदर, एक आध हफ्ते के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा, 7-8 दिन में या 1-10 दिन में या फिर 15 दिन में, कुल मिला के नेक्स्ट वीक जो है आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इसी महीने के लास्ट में आपको एलटी का रिजल्ट देखने को मिल जाए, या हो सकता है आपको अक्टूबर में जो फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 8-10 दिन के अंदर जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, 10-12 दिन के अंदर। और क्योंकि ये जो अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया था, तो अब देखते हैं ये कब तक इसका रिजल्ट आता है, और बहुत जल्दी उम्मीद करते कि आ जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।